टीवी इंडस्ट्री में जितनी भी एक्ट्रेस हैं, उन्होंने इंडस्ट्री में अपनी मेहनत के साथ साथ अपनी फैमिली के सपोर्ट के साथ इंडस्ट्री में खूब सफलता हासिल की है। इतना ही नहीं, अपनी फैमिली के सपोर्ट से वे सफलता के चरम पर भी पहुंची और टीवी के सक्सेसफुल एक्ट्रेस भी बनकर उभरी हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारी टीवी इंडस्ट्री में ऐसी भी एक्ट्रेस हैं जिन्होंने फैमिली के सपोर्ट के साथ अपने करियर को सफलता से भर दिया और खूब सफलता हासिल की, पर एक दिन अपने उसी परिवार के लिए सभी ने अपना सफलता भरा करियर हमेशा के लिए कुर्बान कर दिया था। एक बार करियर छोड़ने के बाद उन्होंने दोबारा टीवी इंडस्ट्री को मुड़कर नहीं देखा था। तो इसलिए आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको उन्हीं एक्ट्रेस से रूबरू कराने वाले हैं जिन्होंने अपने परिवार के लिए अपने करियर को अलविदा कह दिया था। तो आइए जानते हैं फिर कौन सी है वो एक्ट्रेस। नंबर एक, नेहा बग्गा। बानी इश्क दा कलमा में रज्जी का किरदार निभाकर मशहूर हुई अदाकारा नेहा बग्गा का नाम इस लिस्ट में पहले नंबर पर आता है जिन्होंने अपने परिवार के लिए अपने करियर को छोड़ दिया था। बानी इश्क दा कलमा के बाद यह अदाकारा इतनी पॉपुलर हो गई थी, कई सीरियल्स की लाइन लग गई थी और उन सभी में काम कर इन्होंने टीवी इंडस्ट्री में खूब सफलता हासिल की थी। इन्होंने पीआर अंग्रेज और मेरे दिल की लाइफलाइन जैसे कई शो में काम किया जिसके बाद इनका करियर एकदम सही जा रहा था, पर उसी वक्त इन्होंने अपने करियर को छोड़ दिया और अपने परिवार वालों के लिए जिन्होंने इन्हें एक्ट्रेस बनाने के लिए काफी सपोर्ट किया था, पर जब इन्हें हर तरह के किरदार निभाने पड़ रहे थे तो उनमें इनके परिवार वाले देख नहीं पा रहे थे, इसलिए उनके कहने पर इन्होंने अपने करियर को हमेशा के लिए छोड़ दिया। नंबर टू, पूनम नरूला। शरारत जैसे कई हिट सीरियल देने के बाद एक्ट्रेस पूनम नरूला अचानक इंडस्ट्री से गायब हो गई थी। वजह थी इनकी फैमिली। इन्होंने शादी कर ली थी और इनके दो बच्चे भी थे। अपने काम में बिजी रहने के चलते ये अपने परिवार को टाइम नहीं दे पा रही थी, इसलिए अपने बच्चों की अच्छी परवरिश और अपने पति का ख्याल रखने के लिए इन्होंने अपने सफलता भरे करियर को छोड़ दिया और इस तरह से अपने परिवार की खुशी के लिए इन्होंने अपने करियर को बलिदान दे दिया। नंबर तीन, अंजलि अबरोल। एक समय पर अंजलि अबरोल भी इंडस्ट्री की मशहूर अदाकारा थी जिन्होंने राजा की आएगी बारात जैसी कई यादगार और हिट सीरियल दिए थे, पर ये भी अचानक ही अपने करियर को छोड़कर इंडस्ट्री से दूर चली गई थी। इस तरह से अपने करियर को छोड़कर जाने के पीछे भी इनकी फैमिली ही है जिन्होंने इन्हें कुछ समय के तक ही टीवी पर काम करने की मोहलत दी थी और समय पूरा होते ही इन्होंने अपने परिवार से वादे के चलते टीवी इंडस्ट्री को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया। नंबर चार, मोहिना सिंह। अभिनेत्री मोहिना सिंह आज भले ही टीवी से दूर है पर आज भी इन्हें ये रिश्ता क्या कहलाता है कि कीर्ति के रूप में दर्शक याद करते हैं। इससे पहले भी इन्होंने दिल दोस्तों डांस और बाद में सिलसिले प्यार के जैसे शो में काम किया था और खूब सफलता हासिल की थी, पर इन्होंने भी अपना सफलता भरा करियर अपने परिवार के लिए छोड़ दिया था क्योंकि करियर के बीच ही इनकी शादी राजघराने से ताल्लुक रखने वाले सुयश रावत से हो गई थी, इसके चलते इन्हें अपना करियर छोड़ना पड़ा। नंबर पाँच, रुचा हसबनीस। साथ निभाना साथिया शो में राशि का किरदार निभाकर मशहूर हुई अभिनेत्री रुचा ने इस शो के बाद अपने करियर को विराम दे दिया था अपने परिवार के लिए, क्योंकि इस शो के बाद ही इन्होंने शादी कर ली थी, इसलिए अपने करियर को आगे ना बढ़ाते हुए इन्होंने अपने नए परिवार के साथ अच्छे रिश्ते और बॉन्ड बनाने के लिए अपने करियर को छोड़ दिया था। नंबर छह, लवनीन कौर। टीवी की खूबसूरत अदाकारा है लवनीन कौर और उससे भी ज्यादा बेहतर एक्ट्रेस जिन्होंने हर तरह के किरदार निभाकर टीवी पर अपनी एक अलग पहचान बनाई है, पर इन्होंने भी अपने परिवार के लिए अपना करियर छोड़ दिया था। पर करियर के बीच में इन्होंने अपने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड कौशिक कृष्णमूर्ति से शादी कर ली थी जिसके कुछ समय बाद ही ये प्रेग्नेंट हो गई थी, इसलिए इन्होंने अपने करियर को छोड़ दिया। तो दोस्तों, इनमें से आपको कौन सी परफेक्ट एक्ट्रेस है आप हमें उसका नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं और साथ ही ऐसी ही मसालेदार खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।